ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने एक मैच में अपने बल्ले से सबको हैरान कर दिया। दरअसल उस मैच में रसेल एक अलग तरह के बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने उतरे। उस बल्ले का रंग काला था। इसके बाद सोशल मीडिया पर रसेल के बल्ले को लेकर काफी तरह के कमेंट्स आने लगे। सबका यही कहना था कि क्या इस तरह के बल्ले का उपयोग करना जायज है। क्रिकेट इतिहास में बल्ले और विवादों का गहरा नाता रहा है। आइए आपको इतिहास में लिए चलते हैं और बताते हैं कुछ ऐसे ही बैट विवाद के बारे में। खेल के गोल्डन कलर के बल्ले ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। ये बल्ला स्पार्टन कंपनी का था और इसे गोल्डन कलर में रंगा गया था। खेल ने पहले इस बल्ले का भारत में प्रयोग किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2015 के बिग बैश लीग सीजन में भी उन्होंने इसी बल्ले से बल्लेबाजी की। 2010 के आईपीएल सीजन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन भी अपने बल्ले के कारण विवादों में रहे। हेडन ने आईपीएल के उस संस्करण में एक ऐसे बल्ले का प्रयोग किया था जिसको मंगूज कहा जाता था और लोगों का मानना था कि इससे खेल में काफी बदलाव आएगा। साल 2005 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग भी अपने बल्ले को लेकर काफी विवादों में रहे। पोंटिंग ने तब एक ऐसे बल्ले का प्रयोग किया था जिसके पीछे कार्बन ग्रेफाइट लगा हुआ था। एमसीसी ने इसको लेकर आईसीसी से शिकायत की और कहा कि कार्बन ग्रेफाइट की वजह से बल्ले में अतिरिक्त पावर आ जाती है जो बल्लेबाज के लिए काफी फायदेमंद होती है। 15 दिसंबर 1979 को ऑस्ट्रेलियाई तेज बल्लेबाज डेनिस लिली एल्यूमिनियम की बैट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा था। लिली नाबाद 11 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो डेनिस लिली एल्यूमिनियम के बल्ले के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए। इससे सभी लोग हैरान रह गए। 25 सितंबर 1771 को चेल्सी और हैमिल्टन के बीच खेले गए मैच में थॉमस वोइट एक ऐसे बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। वो बल्ला इतना चौड़ा था कि सिर्फ बल्ले से पूरा स्टंप कवर हो जाता था।